एक्सरसाइज थर्ड ए का क्वेश्चन नंबर टू है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है नंबर, है ना। अब जैसे अब पहले तो ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे जो सिर्फ अपनी संख्या से कटते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, ये प्राइम नंबर्स हो गए। इन्हीं से हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, तो उसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब इन्हीं का यूज़ करके हम निकालेंगे, जैसे देखिए 252 है, इसको हम पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 6 12, फिर से 2 से कटेगा, 2 6 12 2 3 6, फिर 3 से कट जाएगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 7 21 और फिर 7 1 7। तो अब इसके देखिए क्या संख्या आ गई, 2 × 2 3 × 3 × 7, यानी एक पेयर 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बना, है ना। अब क्योंकि इसमें 7 का पेयर नहीं बना है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 252 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सो 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसलिए 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें सारे पेयर्स नहीं बने, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 324, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसके फैक्टर निकालने हैं, है ना। 324 को पहले किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि 4 है लास्ट में, 2 1 2 2 6 12 2 2 4, फिर ये 2 8 16, 2 1 2, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब देखिए इसके सारे पेयर बन गए हैं, है ना, यानी क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कितने पेयर बन गए, 1 2 3, सबके पेयर बने हुए, जोड़े बने हुए। सो अब इसमें ही लिख देंगे, 324 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सो 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इतनी लाइन ना भी लिखो तो सीधा यही लिख सकते हैं हम, 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ ये लिख के उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, सो 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। हमें यही तो बताना है कि परफेक्ट है कि नहीं, और इसको इस तरीके से शो करके भी दिखा दें, ठीक है।